आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर ऐसे कहूं कि आप नहीं करते हैं और आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये सीरीज आपके लिए। आज की इस वीडियो में बात करूंगा एस्पिरेंट्स वेब सीरीज के बारे में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आप टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अब देखो यार, शायद मैं गलत हो सकता हूँ जो भी अब मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जितने भी मैंने यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो देखी है, जितने भी चैनल पर मैं गया हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ मैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ज्यादातर वीडियो या फिर मतलब कॉमेडी से रिलेटेड वो बनाते हैं। सच में ऐसा मेरे साथ, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस फील किया। मे बी आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है, एक टीवीएफ ही मुझे ऐसा दिखता है जो चैनल, और तो चैनल मुझे पता नहीं है, लेकिन टीवीएफ ही एक ऐसा चैनल दिखता है जिसके ऊपर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट हमें मिल जाता है। लेकिन जितनी मेरी ऐसी सोच रही, जितना ही मैंने देखा, तो मेरे ऐसे मन में था जब इसके बारे में मैंने सुना, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार एस्पिरेंट्स करके एक ऐसी एक वेब सीरीज बहुत अच्छी है। तो जब मैंने इसका एक तो नाम सुना और फिर मैंने एक यूट्यूब के बारे में सुना कि यूट्यूब पे है, एस्पिरेंट्स है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट बनने लगे यार ये, हाँ ये कॉमेडी से रिलेटेड होगी। और सच में जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो इसमें कॉमेडी नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ये जो वेब सीरीज है वो बिल्कुल ही अलग है। एक एस्पिरेंट्स की लाइफ को बताता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन वो कैसे करता है, कि दिल्ली में वो सपने लेकर आता है आईएएस बनने के, उस सपने को वो पूरा करने के लिए कैसी उसके सामने चुनौतियां आती हैं, कैसे उसके मतलब मेंटल प्रेशर से वो गुजरता है, बहुत कुछ इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। इस सीरीज के अंदर तीन दोस्त, अविनाश, गौरी, एसके, इन तीन दोस्तों के थ्रू स्टूडेंट लाइफ को, एस्पिरेंट जो हैं स्टूडेंट ही होते हैं जो वहां पर दिल्ली में जाते हैं, और उनके थ्रू उनकी जर्नी दिखाई गई है, या फिर कहूँ हर एक एस्पिरेंट्स की जर्नी वहां पर दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल के यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है, ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट ले, या फिर टीचर से कौन से टीचर से वो पढ़े, कौन से इंस्टीट्यूट में वो जाए, या फिर कहूँ जो उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि प्लान बी क्या है, जो इसका फोर्थ एपिसोड है जिसमें कहा गया प्लान बी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो फोर्थ एपिसोड जिसमें कि भाई अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, और 4 साल अपनी प्रिपरेशन में लगाने के बाद जो वो एक मेंटल प्रेशर आता है, माँ बाप की उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं, और भी लोग तुमसे उम्मीदें लगा लेते हैं, तुम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, और इतने टाइम से तैयारी करने के बाद लोग ऑटोमेटिकली सोचने लग जाते हैं कि यार इस इंसान का तो हो ही जाएगा, फिर उसके ऊपर जैसे वो प्रेशर बनता है वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, ये सब चीज़ें इस वेब सीरीज के अंदर बखूबी से दिखाई गई हैं। और सच में फोर्थ एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इमोशनली भी पसंद आया, और एक इंसान के एक स्प्रिंट के ऊपर कैसे अपने आप पर उसका विश्वास उठता चला जाता है क्योंकि लोग उससे ज्यादा उम्मीदें लगाने लग जाते हैं, ऐसा एक्चुअल में होता है। और ये सब चीजें इसके साथ तो चल ही रही हैं, ये एक तो तरफ से तो एस्पिरेंट्स की लाइफ इन्होंने दिखाई है, दूसरी तरफ दोस्ती के ऊपर जो इन्होंने एक और चीज जो दिखाई है कि भी अपनी दोस्ती के बीच में जैसे ईगो आ जाता है तो भाई साहब जो वो दोस्ती खराब हो जाती है, और उसके बाद अपनी ईगो को साइड में रखकर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना, ये बहुत सारी चीजें। ओवरऑल अगर इस वेब सीरीज के बताऊं तो एक प्रिपरेशन से, एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन से लेकर एक लाइफ लेसन तक इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, साथ में थोड़ा बहुत मजाक भी देखने को मिल जाएगा। और मैंने अब तक कोई पेड, जो भी मैंने पेड वेब सीरीज देखी है या पेड मूवीज देखी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती थी काफी, क्योंकि उनको मैं पैसे दे के देख रहा हूँ तब भी इतना घटिया घटिया कंटेंट है, और बकायदा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बाद भी इतना जबरदस्त इन्होंने मतलब बढ़िया कंटेंट हमें दिया है। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा नहीं होता कि जितनी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं वो खराब होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मतलब ये जब आप देखोगे तकरीबन हर एक एपिसोड 46 to 49 मिनट का है, तो बहुत एक वर्थ इट आप इसको देखना। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9.5 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखो यार, सच में बहुत बढ़िया है। आप भले ही यूपीएससी की तैयारी करते हो या नहीं करते हो, पसंद आएगी आप लोगों को। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।